एक रुपया भी नहीं लिया आप हमसे पैसा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है, और हम पैसा लेते भी नहीं है, मैं आपको बताऊं किसी से भी। गाड़ी हमारी आप देख ही रहे हैं, अभी सीट का पन्नी नहीं, न्यू गाड़ी है, बकायदे पर्दा वर्दा सब लगा हुआ है। हमसे ट्रेलर चलवाया था, मसरी था, जब देखा तो बोला गुड, अच्छा ऐसे करके बोला। उसके बाद इटामा लाइसेंस लिया, हाँ, उसके बाद ऑफिस में लेके गया। आरामको का काम है। कंपनी अभी आराम को सर्टिफिकेट भी बनवाएगी राइट? जी जी बन गया हमारा। अच्छा बनवा दिया इतनी जल्दी? नहीं, बहुत खुश हूँ मैं बहुत। 0 मीटर 2024 मॉडल गाड़ी मिली है। हेलो हाँ जी भाई, कैसे हो आप? ठीक है भैया, आप बताइए आप कैसे। बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? जी हमारा वाहिद अली नाम है, गोरखपुर, अच्छा कहाँ के रहने वाले हो आप? अच्छा गोरखपुर में कौन सी जगह से? जिला महाराजगंज। ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए, जहाँ पे आप पहले थे तो उस वो कंपनी थी या कफिल, जी जी किसके पास थे आप पहले? कपिल था, कपिल। अच्छा कफिल था, तो आप वहां पे कितने दिन से बैठे थे, आपके पास काम नहीं था? हाँ 2.5-3 महीने से बैठे हुए थे वहां पे। अच्छा तो अभी आपको जहां पे हमने भेजा है काम के लिए, वो कंपनी है या कफिल है पहले ये बताइए? सिरका है, कंपनी है। अच्छा कंपनी कैसी, छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी, किस तरह की है बताइए पहले थोड़ा सा। कंपनी बड़ी है, कंपनी बड़ी है। अच्छा बड़ी है, तो आप ये बताइए, आपका हमने यहाँ पे कफाला कराया है, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे आए हुए, इस टाइम पे कंपनी में कितने दिन से हो आप? 11 से 12 दिन हुआ हमको इस कंपनी में आए, हमारा कफाला भी हो गया है। अच्छा तो और गाड़ी मिली अभी तक या नहीं मिली है? नहीं जी, गाड़ी मिल गया, गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। अच्छा तो सबसे पहले एक बात और बताइए, आपके आपका जो वो कफाला है वो कितने दिन में हो गया था, कितना टाइम लगा था कफाला होने में? 5 से 6 दिन में कफाला हो गया था हमारा। अच्छा सारी चीज फाइनल हो गई थी 5 से 6 दिन तक यानी आपकी। जी तो जी 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 अभी ये बताइए, आप जब यहाँ पे कंपनी में कफाला करा के आए हो, क्या आपको कंपनी में जो लोग काम करते हैं या जो भी है, क्या पता चल रहा है कंपनी के बारे में कि कैसी कंपनी है, बढ़िया है खराब है, लोग कितना पैसा कमाते हैं इसमें, क्या है रियलिटी बताइए सच? कंपनी वैसे सही है, अच्छा बताने वाले जो हैं पहले हाँ के, पंजाब के, यूपी के, जहाँ के भी हैं, हाँ हाँ इंडिया हाँ पाकिस्तान के जहाँ के भी हैं, हाँ सब बता रहे हैं कंपनी अच्छी है, सैलरी टाइम से दे देती है, गाड़ी अच्छा है वैसा ओवर टाइम है, सैलरी है, अच्छा आपका कुछ 1 रुपया कटता पिटता नहीं अच्छा है। ड्यूटी कितने घंटे की है यहाँ पे ये बताइए? ड्यूटी भाई क्या बोले, ड्यूटी बहुत आराम की ड्यूटी है। कैसी मतलब आराम की कैसी? ड्यूटी जैसे ड्यूटी ये है कि ड्राइवरों के लिए ड्यूटी तो बहुत आराम की ड्यूटी है, अच्छा क्योंकि फोन आता है तो साइड पे जाना है, फोन अच्छा नहीं आएगा तो अपने वर्कशॉप के खड़ी रहो, अच्छा मतलब फोन घर आएगा तो जाना है। और काम कितना है, मान हाँ के चलो 150-200 किलोमीटर की रनिंग में काम भी करना है, बस अच्छा उससे ज्यादा बस नहीं, इसके बस अंदर में आरामको काम का करना। काम है। हाँ तो एक बात और बताइए, आप यहाँ पे हाँ आए हो कंपनी में काम करने के लिए, आपको गाड़ी किस तरह की मिली है, नई मिली है, एसी है या नई है या पुरानी है, किस तरह की गाड़ी मिली जी, गाड़ी हमारी आप देख ही रहे हैं, अभी सीट का पन्नी नहीं, है? अच्छा न्यू गाड़ी है, चाइना अच्छा मतलब की गाड़ी है, हाँ सीट की और पन्नी नहीं छूटी है अभी। बकायदे पर्दा वर्दा सब लगा हुआ है। अच्छा ये लगा लगाया मिला या आपने लगाया है? नहीं, गाड़ी कंपनी लगा के आती है, सब अच्छा एजेंसी, गाड़ी जब निकलती है जहां से वहां से सब बन के आता है। अच्छा मतलब 0 मीटर गाड़ी मिली अभी तक पन्नी भी नहीं छूटी है सीट की वो आपको। तो अभी ये बताइए आप खुश हो या नहीं हो यहाँ पे? नहीं, बहुत खुश हूँ मैं बहुत खुश अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है। हूँ, तो अभी एक आपका बात बहुत और, बहुत हाँ मेहरबानी भैया। नहीं मुझे आप एक बात और बताइए, आपका कफाला कराने में कितना पैसा लगा है? हमारा 1 रुपया खर्चा नहीं लगा भैया, अभी तक तो 1 रुपया खर्चा नहीं लगा है अच्छा कोई नहीं लगा, हमारा, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी ने पे तो नहीं। चलो कोई नहीं लगा, आपका कोई पैसा नहीं लगा अभी तक, लेकिन मैंने आपसे कितने पैसे लिए अभी तक कफाला कराने का आपका ये बताओ। 1 रुपया भी नहीं लिया आप हमसे पैसा। अच्छा चलो बहुत बढ़िया बात है, और हम पैसा लेते भी नहीं है, मैं आपको बताऊं किसी से भी, चाहे कोई भी हो। आप ये बताइए पहले क्या आप मुझे जानते थे कभी? जी नहीं जानते थे। जी नहीं जानते थे, मतलब मेरे लिए आप एक अनजान हो ना, भी मैं भी कभी आपको जानता था, जैसे ही आपका मेरे को कांटेक्ट हुआ और आपने अपनी मजबूरी बताई कि ऐसे ऐसे मैं रूम पे बैठा हूँ, तो हमने फिर आपकी हेल्प करी, आपका कांटेक्ट नंबर लिया, हमने आपको यहाँ पे जी बुलाया, जी तो बुलाने के बाद ये बताइए हमने आपको ऐसे ही जी बुला जी के छोड़ तो नहीं दिया, आपके हाल चाल पूछे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या क्या हमने आपसे पूछा नहीं या नहीं नहीं पूछा ये बताइए। आपने भैया हर चीज पूछे, आपके पास पैसा है कि हाँ नहीं है, हाँ खाने का पैसा है कि नहीं है, हाँ कोई बंदोबस्त हुआ है कि नहीं है, हाँ हमने आपसे बताया भैया नहीं सब कुछ है, हाँ
सब चीज व्यवस्था हुआ है, यहाँ पे रहने का भी, खाने पीने का सब व्यवस्था है। अच्छा, कोई चीज की परेशानी नहीं, आपने सब हेल्प किया हमारे लिए। अच्छा ओके। और ऑफिस वाले भी आपको फोन करते रहे बीच बीच में रास्ते में या नहीं किया, उन्होंने आपसे पूछते रहे? नहीं, किए थे ना। फोन किए थे 2-3 बार, वो फोन किए थे जहां मैं आया वहां से, फिर वो लोकेशन भी भेजे, हाँ तो 3 लोग लोकेशन हमको भेजे थे इधर तक आने के लिए। अच्छा ओके। जी कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको, यहाँ तक आने में दिक्कत कुछ नहीं हुआ। हम आ गए यहाँ पे, आए, टेस्ट हमारा हुआ, हमको रूम मिला। हाँ जी हमको सब मिल गया। अच्छा, रूम मिल जी गया, सब चीज मिल गया, तो टेस्ट हुआ आपका यहाँ पे, तो क्या आपसे ट्रेलर चलवाया गया था यहाँ पे? जी जी हमसे ट्रेलर चलवाया था, पहले उल्टा रिवर्स लगवाया, फिर हाँ सीधा रिवर्स लगवाया। जैसे सीधा रिवर्स लगा रहा था तो हाँ मसरी था, जब देखा तो बोला गुड, अच्छा ऐसे करके बोला। उसके बाद इटामा लाइसेंस लिया, हाँ और उसके बाद ऑफिस में लेके गया। वो मेरे से पूछा, आपके कपिल का कोई मुश्किल तो नहीं ना है? हाँ हमने कहा नहीं, हमारा कपिल कोई मुश्किल नहीं, हमारा कपिल कफाला दे रहा है। बोला जाओ जिधर कफाला ले लो, अच्छा ठीक है। तो उसने हमारा कफाला किया। हाँ बहुत बढ़िया। तो अभी आप ये बताइए, यहाँ पे कंपनी में आने के बाद आपको पता चल गया होगा कंपनी में नई गाड़ियां आ रही हैं और भी या नहीं आ रही हैं, ये बताओ पहले तो आप, क्योंकि आप तो वहां पे हो इस टाइम पे। जी, अभी इस समय कम से कम 25-30 गाड़ी खड़ी है। 25-30 गाड़ी खड़ी नहीं है अभी। मैं एकदम आपको बता दूं, तकरीबन 400 से भी ज्यादा ड्राइवरों की जरूरत है हमें, जिनके पास लाइसेंस है सऊदी अरब का। अगर कोई भी भाई यहाँ पे परेशान है सऊदी अरब में, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम जहाँ पे ये भाई काम कर रहे हैं वहां पे उनका कफाला करा सकते हैं। तो एक बार आप बताइए वाहिद अली भाई, कि आपकी कंपनी का नाम क्या, कौन सी कंपनी में हमने आपका कफाला कराया? सिरका अल मुसांदा कंपनी है, अच्छा सिरका सिरका अल अल मुसा, मुसांदा, कौन सी जगह पे है ये कंपनी? ये दम्माम में है, इसका हेड ऑफिस दम्माम में है, और अलखोबर। ये इसका वर्कशॉप है अलखोबर में, अच्छा अलखोबर में। वर्कशॉप है इसका अलखोबर में। हाँ जो भी मतलब नए आदमी आएंगे वो सबसे पहले अलखोबर में जाएंगे, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी आप ये बताइए, जो भी लोग यहाँ पे कफाला कराने के लिए आना चाहते हैं, या जैसे मैं वीडियो डालता हूँ सोशल मीडिया पे लोगों की हेल्प करने के लिए, तो जो भी लोग यहाँ पे कफाला कराना चाहते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया, क्या वो रियलिटी है जो मैंने वीडियो डाली थी, वो सच है या नहीं है, कितना है? जी, सच है सच है। अच्छा, यानी यहाँ पे जो आदमी आना चाहता है वो आ सकता है कफाला कराने के लिए, उसके सेफ रहेगा, उसके लिए अच्छा है या नहीं है? जी, अच्छा है कफाला, अच्छा है, हो जाएगा कफाला। अच्छा अभी कंपनी में जरूरत है ड्राइवरों की। अच्छा ये बताओ, कंपनी में कोई आदमी परेशान तो नहीं रहेगा? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ये पैसा काटती है या कुछ ऐसी, कोई फॉल्ट ऐसा कुछ सुना? नहीं, हम तो नहीं सुना हूँ, अभी अच्छा तो मैं नया आया हूँ, मैं सुना नहीं हूँ। बिल्कुल बाकी आदमी लोग बता रहे हैं कंपनी अच्छी है, हाँ ज्यादा काम नहीं है कंपनी का, बस काम है बस। अभी लोड भी करेगा तो कंपनी ज्यादा लोड भी नहीं रहता है, बस थोड़ा थोड़ा सामान इधर से उधर साइड पे ले जाना ले आना, बस यही काम है। हाँ बाहर का कोई ट्रांसपोर्टिंग लाइन का काम ही नहीं है बिल्कुल, अच्छा ये सिर्फ आरामको का काम है, अच्छा आरामको ओनली का काम आरामको करे, का तो काम है। आपका कंपनी अभी आरामको सर्टिफिकेट भी बनवाएगी, राइट? जी, बन गया हमारा। अच्छा बनवा दिया इतनी जल्दी? पता हाँ है आपको आरामको सर्टिफिकेट, अगर आप ओरिजिनल जो आपके पास है अगर बाहर से बनवाओगे, तो कितना पैसा लगता है? 10,000 रियाल के समथिंग में खर्चा आता है उसका, अगर आप लीगल तरीके से बनवाओगे तो। सही कह रहा हूँ ना? जी, हाँ, तो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट तो नहीं ये हो नहीं गया कि आपके पास यहाँ पे आरामको सर्टिफिकेट हो गया, मतलब आप एक हाई क्वालिटी के, मतलब हैवी ड्राइवर की कैटेगरी में आ गए इस टाइम पे, जो कि आप कहीं भी काम कर सकते हो, जी कहीं भी सऊदी अरब में, ऑल ओवर सऊदी अरब में। और आप यहाँ से जाते जी हो जी जी ना, तो दोबारा से किसी भी कंपनी में आओगे ना, तो आपको बहुत अच्छी कंपनी आराम से ले लेगी, क्योंकि आपके पास आरामको सर्टिफिकेट है, आरामको सर्टिफाइड हुआ। सही कह रहा हूँ ना? जी जी अच्छा नहीं नहीं जी, सही। हाँ, तो सोचिए आप, इतनी अच्छी कंपनी है कि आपका आराम को सर्टिफिकेट भी कंपनी ने बनवा दिया, सारी चीज बनवा दी, टोटल कंप्लीट आपका हो चुका है, रूम वगैरह की या कोई भी, एनी कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं HR डिपार्टमेंट से बात करके आपके लिए कोई सोल्यूशन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अच्छा, कोई परेशानी नहीं, बढ़िया हुआ है। चलो और बताइए, क्या कहना चाहोगे, बढ़िया जो लोग है। हमारा चैनल देखते हैं, जैसे हम हेल्प करते हैं लोगों की, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए, बताइए कि हमारे साथ जुड़ सकते हैं या नहीं? जी भैया, हम यही कहेंगे सब लोगों से, हाँ जो भी भाई परेशान है हमारे वीरेंद्र भाई से संपर्क करे, जहां तक होगा उनको उनका हेल्प करेंगे, बिल्कुल और करते आए हैं और करते रहेंगे। ठीक बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करते है रहेंगे, बिल्कुल।
बस हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ना तो आज आपसे पैसा लिया है और भी बहुत सारे लोगों का कराया मैंने, लेकिन ना उनसे कभी पैसा लिया है और ना ही आने वाले जो जितने भी लोग हैं जिनसे मैं कफाला कराऊंगा, जिनका हेल्प करूंगा, उनसे भी कोई पैसा नहीं लूंगा। और मेरे नाम से अगर कोई भी आदमी पैसा लेता है तो देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है तो वो समझ लो मेरे से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, ये सोच लेना। तो बाहिद अली भाई, आपसे हमने कोई पैसा नहीं लिया है, आप बस हमें इतना करिएगा, दुआओं में याद रखिए, और कोई भी आदमी गरीब आपको ऐसा मिले यहाँ पे परेशान, तो उसकी हेल्प जरूर कीजिएगा यहाँ पे, अगर कोई भी ऐसा आदमी मिलता है आपको जो जिसको हेल्प की जरूरत है, ठीक है? बस हम इतना चाहते हैं। तो अभी बस आप अपनी गाड़ी दिखा सकते हो, कौन सी गाड़ी आपको मिली है बाहर जाके, अगर दिखा सकते हो तो थोड़ा दिखाइए, भाइयों को भी पता चलेगा इनको थोड़ा सा, ठीक है? बैक कैमरा ऑन करके अपना बाहर जाके दिखाओ थोड़ा सा। ये हमारी गाड़ी है, न्यू गाड़ी है। अच्छा वाहिद भाई, ये आपकी गाड़ी है? अच्छा, ये हेलमेट वेलमेट सब मिल गया है। अच्छा, मतलब सेफ्टी का पूरा सामान मिला हुआ है। अच्छा, ओके ओके, जी जी जी, ये देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास बिल्कुल। देख लो भाई, वाहिद भाई की ये गाड़ी है, बिल्कुल नया ट्रेलर है, पीछे लोबट देख सकते हो आप, बिल्कुल नया है, और आगे से भी देख सकते हो बिल्कुल नई गाड़ी है। और कंपनी का नाम दिखाइए, कंपनी का नाम एक बार पास में जाके थोड़ा सा कंपनी का नाम दिखाइए एक बार। ये देख लो भाई, ये कंपनी है, अल मुसांदा कंपनी है ये, ठीक है? जितने भी भाई मुसांदा कंपनी में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इन भाइयों के लिए मैंने वीडियो डाली थी जिनके कफाले बहुत लोगों के हो चुके हैं, लेकिन सबके ही वीडियो डालना पॉसिबल नहीं है। तो ये देख सकते हो आप, गाड़ी है। हाँ जी भाई, बताइए आप इसके बारे में थोड़ा सा। कंपनी सही है। अच्छा, तो गाड़ी आपको सही मिली है, बढ़िया गाड़ी हमको मिली है। हाँ एकदम गाड़ी बिल्कुल एकदम 0 मीटर 2024 मॉडल गाड़ी मिली है। अच्छा, 2024 मॉडल आपको यहाँ पे गाड़ी मिली है, चलो बहुत बढ़िया बात है, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलो ठीक है वाहिद भाई, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और क्या ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डाल सकता हूँ अपने चैनल पे, आपकी परमिशन है? जी 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 जी, डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा खुश रहिए, और अभी पैसा कमाइए बहुत ढेर सारा, और अपने फैमिली को, परिवार वालों को प्यार दीजिए, खुश करिए उन्हें पैसा भेज के, और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करिए। बाकी हमारा काम था आपको काम पे लगवाने का, बाकी आगे का आपका प्रोसेसर है, ठीक है? जी 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 जी। ओके, थैंक यू वाहिद भाई, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। थैंक यू सो मच।